अभी इस वक्त मैं सूरजपुर जिला के प्रतापपुर विकास खंड के अंतर्गत आने वाले ग्राम प्राथमिक शाला चाचीगढ़ यादवपारा में हूँ। वहीं बता दूं, यह जो विधानसभा शिक्षा मंत्री के क्षेत्र में आता है, और वहीं बता दूं कि शिक्षा मंत्री का क्षेत्र होकर भी यहाँ के जो स्कूल की जो दुर्दशा का है लगातार लचर है। वहीं बता दूं कि यहाँ के 10 साल के एक मासूम बच्चे हैं जो चौथी क्लास में पढ़ाई करता है, उनके साथ जिस तरीके से यहाँ के स्वीपर ने दुर्व्यवहार किया है लगातार, इसकी अभी लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन क्या इस पे शिक्षा मंत्री इस पे संज्ञान लेती है, एक देखने वाली सवाल खड़ा होता है। वहीं बता दूं, जिस तरीके से ये स्वीपर के द्वारा इस बच्चे को मारपीट किया गया और फिर जिस तरीके से दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है, इसकी घोर निंदा करते हैं लगातार। और आज इस वक्त मैं उसी स्कूल में पहुंच चुका हूं, इस स्कूल के कंपाउंड में, और मैं अभी कुछ देर में आपको उस बच्चे से भी बातचीत कराने का प्रयास करूंगा कि आखिर ऐसे दबंग, ऐसे स्वीपर, ऐसे क्यों ऐसे एक छोटे से मासूम बच्चे के साथ ऐसी घटना को अंजाम दिया। आखिर क्या ऐसे में उच्च अधिकारियों की नज़र क्यों नहीं पड़ती है, ऐसे एक बड़ा सवाल या निशान खड़ा करता है। मेरे सामने ये देख सकते हैं प्राथमिक शाला चाचीगढ़ यादवपारा यह स्कूल है, और मैं इस स्कूल कंपाउंड में अभी पहुंचा तो यहाँ के शिक्षक ने जिस तरीके से हमें बातचीत कर रहे थे कि बिना परमिशन के हम बात नहीं करने देंगे। वहीं बता दूं कि बच्चे यहाँ ग्राउंड पे खेल रहे थे, लेकिन मैं जैसे ही बच्चे से बातचीत करने का प्रयास कर रहा था, यहाँ के शिक्षक ने तत्काल बच्चे लोगों को रोक टोक करके स्कूल में घुसा दिया गया, और उन्होंने मुझे इतना तक बोला कि बिना परमिशन के मैं बात नहीं करने दूंगा, जिससे मैं विकास खंड जो शिक्षा अधिकारी हैं डीओ, उनको मैंने तत्काल फोन मिलाया और उनसे बातचीत किया, तो उन्होंने बोले कि नहीं, बातचीत करने का आश्वासन दिया है, लेकिन मैं अभी कुछ ही देर में बच्चे से भी बातचीत कराने का प्रयास करूंगा। आखिर क्या है पूरा मामला, ऐसे दबंगों पे कब कार्रवाई होती है, ये देखने वाली बात होगी। चलो इधर आ जा। ये ध्यान को बुलाया ना, सबको कह दीजिएगा। हाँ भाई, सब पक्ष से बयान ले लीजिए ना, मेरा कहने का मतलब है घटना यहाँ हुआ है ना, कहा थोड़ा सा दूर दूर में कराइए, लेना जरूरी है, सब लोग ले रहे हैं, सभी बच्चे का थोड़ा सा दूर दूर हो जाना ना। हाँ, दूर दूर हो जाना। वही बता दूं, स्कूल के सभी बच्चे भी मेरे पीछे भी खड़े हैं, और वह बच्चा जिसके साथ एक घटना हुई है वो भी मेरे साथ ये मौजूद हैं, देख सकते हैं, और मैं उनसे बातचीत करने का प्रयास करता हूं कि आखिर ये घटना कब हुई है और किनके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है। आखिर इस शिक्षा मंत्री के क्षेत्र में आने वाला एक क्षेत्र है, और लगातार ऐसी घटना क्यों होती है, लगातार अभी ये सुर्खियों में बना हुआ है। लेकिन क्या नाम है आपके बेटा? आकाश कुमार यादव। क्या कुछ आपके साथ घटना घटा है, उसको थोड़ा सा बताइए। चाची लेने के लिए बोला था, फिर मैंने नहीं गया, फिर मार दिया। हाँ हाँ, कौन मारा? बंधुराम। कौन है? अच्छा, यहाँ का स्वीपर है। तो क्यों मारा आपको, आप स्कूल में कुछ गलत किए, क्या किए, उसको बताएंगे बेटा? क्या, तो क्यों आपको मारे? कहाँ नहीं गए थे आप? कहाँ? चाबी लेने आपको भेज रहे थे, तो आप नहीं गए चाबी लेने, तो आपको फिर क्या चीज से मारे थे, क्या बोल के मारे? क्या? हाँ, ठीक। हाँ, तो अभी आपके साथ इस तरीके से कितने तारीख को हुआ था, कौन सा दिन था? 16 तारीख। 16 तारीख, कहाँ पर मार थे आपको? अच्छा, मतलब कितने बजे की ये घटना है बेटा? 10:30 बजे, मतलब स्कूल खुलता है उसी समय, है ना? तो वहाँ पे और टीचर भी उपलब्ध, मतलब आए गए थे कि नहीं आए थे? स्वीपर बस थे या कोई टीचर नहीं आए थे? जिस तरीके से आप देख सकते हैं ये बच्चे ने मेरे से भी बता रहे हैं, आखिर ऐसे में सवालिया निशान ये खड़ा होता है कि आखिर कहीं ना कहीं
शिक्षा मंत्री का क्षेत्र रहने के बावजूद भी आज ये बच्चे सुरक्षित नहीं है। यदि स्कूल कंपाउंड में इस तरीके से यदि घटना को अंजाम देते हैं तो ऐसे में लापरवाही किसकी देखी जाए। वही बता दूं, ये मासूम बच्चा है, लगभग इसकी उम्र 10-11 वर्ष होगी। आप देख सकते हैं, आखिर ऐसे में बहुत ही एक बोलना चाहिए घटना को ऐसे अंजाम क्यों दिए और इसकी क्या अभी तक जांच हो पाई और कब इसकी जांच हो पाएगी, ये तो अब उच्च अधिकारी ही बता पाएंगे। लेकिन मैं यहाँ के कुछ बच्चे हैं, शायद उनसे बातचीत करने का प्रयास करता हूँ, वो यदि पूरा डिटेल बता दें। बेटा क्या नाम है आपका? इधर इधर क्या कौन से क्लास से पढ़ती हैं? चौथी। इनको आप जानते हैं, जिस दिन इनके साथ मारपीट हुआ था क्या आप आए थे क्या बेटा? तो इनको सही में मारे थे? नहीं, नहीं मारे हैं। देखो जो होगा सच्चाई बोल दो, मेरे को झूठ मत बोलो, बस मारे तो बता रही है भाई। ये चीजें सच तो बता रही है, आप कितना पूछोगे? मैं आपसे नहीं बात कर रहा हूँ, सच तो बता रही है। मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बात कर रही हूँ, आप मेरे से बात कर लीजिए, है ना, खुद बता रहा हूँ। पूछ लो, तो 16 तारीख को आप आए थे? कितने बजे आए थे? 10 बजे। क्या नाम है आपका? राही कुमारी गुप्ता। कहाँ घर है आप, कहाँ पे स्कूल पे, कितना दूर है? अच्छा, कहीं ना कहीं यहाँ के बच्चे भी कुछ डरे सहमे हुए लग रहे हैं। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं बेटा? तीसरी। चौथी क्लास में कौन पढ़ता है इसमें? आप पढ़ते हैं? इधर आ जाओ बेटा, इधर आओ। आप भी चौथी क्लास में है? आप भी हो? क्या नाम है आपका? क्या? इधर इधर इधर। अनुराग देवांगन। अनुराग देवांगन जी, क्या 16 तारीख को घटना हुआ था उसको बताइए। नहीं आए थे आप? आए थे बेटा, आप आए थे 16 तारीख को? क्या कुछ घटना हुआ था इसके साथ, कैसे मारपीट हुआ था? देखो, आपको कोई डरा रहे है या फिर किसी कोई आपको बोले हैं, सब सच बताना बेटा, मेरे से झूठ मत बोलना, मैं आपके घर का ही हूँ, है ना, मैं आपके घर का हूँ, आपके अंकल हूँ, मेरे को सच सच बताओ कि आखिर क्या हुआ था, सही सही बताना। ये आपको कोई मतलब कल अधिकारी आए थे तो आप यही चीज बोले है ना, कल आए थे जांच के लिए, कौन आए थे बेटा? नहीं पता, कोई आए थे जांच के लिए? इधर इधर कैमरे में देखना बेटा, इधर कोई आए थे कल परसों घटना होने के बाद कोई जांच के लिए स्कूल में आया बेटा? तो क्या क्या हुआ, पुलिस वाले आए थे तो? और आप लोगों से कुछ पूछताछ नहीं किया गया? कौन है जुल्ली, कौन है, कौन है, आए यहाँ क्या, यहाँ खुशबू कोई है क्या? कहीं ना कहीं बच्चे काफी डरे समय हुए लग रहे हैं। आखिर ऐसे में मैं यहाँ के जो स्कूल कंपाउंड के जो शिक्षक हैं उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करूंगा कि आखिर ये घटना कैसे हुई। सर थोड़ा सा सर, ये घटना किस डेट पे हुआ था और क्या कुछ मामला है, कैमरे में देखेंगे। ये घटना बात सामने आ रहा है सर 16 तारीख, थोड़ा सा दिख रहा जी, 16/2021 जी जी, कि ये हम लोगों को पता नहीं था, न किसी बच्चे को पता था, न यहाँ पर मारपीट हुआ, क्योंकि हम लोग प्रतिदिन, हम तो 9:45 में ही आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, और कुर्सी वहाँ लगा रहता है, बैठते हैं, सबसे पहले झाड़ू होता है, इसके बाद बच्चों से प्रार्थना करके सब अंदर बैठाते हैं, प्रतिदिन का ही नित्य क्रियाक्रम चल रहा है। उस दिन ऐसा यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं था, और जैसे 16 तारीख की 10 बजे रात मैं घर पर सो रहा था, वैसे इनके पिताजी का, दूधनाथ जी का फोन गया घर में कि मेरे बच्चे को आपके स्कूल में मारपीट किया गया है जी, श्री बंधुराम यादव द्वारा। मैं बंधुराम यादव कौन है सर? ये यहाँ के स्वीपर हैं। तो मैं उनसे बोला कि भाई स्वीपर, तो हम यहाँ 9:45 स्कूल में पहुंचे हैं और ऐसी घटना मेरे सामने नहीं हुआ है,
खुदा न खासा अंदर में कोई या बच्चा या तो मान लीजिए बंधु मार दिया हो, इसकी जानकारी मेरे को अभी नहीं है, लेकिन मैं कल रविवार हो रहा है, सोमवार को मैं आपकी जानकारी, नहीं नहीं सोमवार नहीं, सोमवार था कल आपको बताऊंगा स्कूल में जाकर पूरा बच्चों से जानकारी लेकर कि क्या बच्चों द्वारा मारा गया है, स्वीपर के द्वारा। तो मैंने आके सभी बच्चों से पूछा कि भाई क्या आप लोग देखे हैं कोई मारते बच्चे को बंधुराम द्वारा, तो कोई बच्चा देख मैंने नहीं बोला कि हम लोग देखे हैं मारते, सब इनकार किए कि सर हम लोग देखे हैं। आप प्राथमिक कला चाची गार्ड में कौन से पोस्ट में? प्रधान पाठक जी जी। कितने टीचर हैं आपके यहाँ? दो टीचर जी। सभी टीचर आए हुए हैं क्या? जी जी। कहाँ है? श्रीमती नीता देवानी जी। अच्छा, तो सर इस घटना जब ऐसा हुआ, अभी चौकी में भी FIR हुआ, जी जी, उच्च लेवल के जो अधिकारी हैं उनसे भी शिकायत हुआ, तो जांच पे क्या कुछ यहाँ निकला? जांच में यही निकला कि सर मतलब सभी बच्चों से, टीचरों से, रसोइयों से है और गांव वालों से सभी से पूछताछ किया गया, तो कोई ने तो देखा ही नहीं है। ठीक है ना, देखा रहता भाई तब ना सही बताएगा कोई भी। बच्चे लेज के अधिकारी आए थे, एक एक बच्चे को अंदर लेज के मतलब गुणवत्ता से मतलब चेक किया कि वह डरे हैं, एक एक बच्चों को अंदर लेज के मतलब वहाँ पूछताछ की है, तो भी बच्चों ने मतलब वही किया कि हम सर हम लोग देखे ही नहीं है ना, हमारे सामने कोई मारपीट हुआ है, मतलब इससे साफ जाहिर होता है कि जो भी ये सारा सब झूठ है। झूठ इसलिए है क्योंकि ये जमीन विवाद इन लोगों का चल रहा है, जो मरघट करके तहसीलदार SDM को भी इस बात का पता है, अधिकारियों को, कि ये बंधुराम यादव और कुछ गांव मिल के मतलब उनके जमीन को अतिक्रमण कर रहे हैं। ठीक है ना, लड़ाई चल रहा है उनका मतलब 6 महीना से लगभग साल भर हो गया, इसी विवाद के चलते मतलब इनको फंसाया जा रहा है। ये बात पता, मतलब इन लोग का पर्सनल मैटर, जी जी, घर वाली मैटर है, घर वाले मैटर को मतलब अपने बच्चे पे लगा रहे हैं। जी जी जी। तो अभी आप क्या बोलना चाहेंगे सर इस विषय में कि आखिर एक घटना इतनी बड़ी, अभी शिक्षा मंत्री के क्षेत्र में भी, विधानसभा क्षेत्र में आता है, और इस सवाल जवाब अभी लगातार मैं तो यही करना चाहूंगा सर कि इसको अच्छे से बारीकी से जांच को, मैं तो ये सोचता हूँ कि अच्छे बारीकी से जांच। जी ठीक है ना, यदि इसको उचित यदि नहीं, आप लोग बैठो क्लास में जाओ, इसको मान लीजिए दोषी नहीं पाया जाता है, ठीक है ना, तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाए। हाँ, इस तरीका से मतलब स्कूल में लांछन लगाना बच्चों का भविष्य। ये थे चाची डार के प्रधान पाठक, लेकिन यहाँ के जो टीचर भी हैं वो भी मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे बातचीत करने का प्रयास करूंगा। मैडम क्या नाम है मैडम आपका? नीता देवांगन। कौन से पोस्ट में मैडम? थोड़ा सहायक शिक्षक। जी जी। मैडम स्कूल कितने बजे खुलती है? 10 बजे। अभी आ रहे हैं? तो अभी टाइम कितना हो रहा है सर? मैं एक बच्ची है, विकलांग बच्ची है, उसको लेके आ रही हूँ, तो वहीं फिर भी आप लोग को सुनी तो वो अटक गई वहीं। हाँ, तो उसको छोड़ के आ रही हूँ, तैयार भी वहीं पे, और सोची अब आप तुम लेके आओ, मैं जा रही हूँ। तो मैडम ये 16 तारीख को जो आपके कंपाउंड आपके परिसर में जो घटना हुआ है सर, आकाश यादव, आकाश यादव के साथ क्या कुछ मामला है मैडम? देखिए सर, मैं इसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकती। आप उस दिन आई थी मैं, लेकिन किसी बच्चे ने मेरे से आके नहीं कहा कि हमारे साथ कोई मारपीट किया है, कि कोई गाली गलौज किया है। आकाश से पूछे मेरे से बोला क्या, ये तो बोला भी नहीं। मैडम अभी लगातार स्वाद जवाब सवाल हो रहे हैं, लगातार बना हुआ है, कई समाचार पत्रों में हमने देखा, TV चैनलों में भी देखा, लगातार उसके बावजूद हमको वहाँ से यहाँ तक ग्राउंड चल जाना पड़ा कि आखिर हकीकत क्या है, उसको जानने के लिए हम लोग आए हैं। और अभी बच्चे ने जिस तरीके से बताया कि मेरे साथ ऐसी ऐसी घटनाएं घटी, लेकिन यहाँ के कुछ बच्चे कुछ और बोल रहे हैं, यहाँ के बच्चे कुछ और बोल रहे हैं, क्या करने वाले हैं मैडम? देखिए सर, ये जो वाक्य है, सब लोग सब पूछे तो हम लोग इसके बारे में नहीं जानते, कब इसके साथ मारे ना, बच्चा बताए नहीं है। जब भी आप लोग का कोई लड़ाई झगड़ा चलता है बच्चों के बीच में चलता है, तो हमको आके बताइए उसको, तो पता नहीं सभी बच्चे बताते, पर ये बच्चा मैडम अभी चौकी में शिकायत हुआ है, अधिकारी को भी पता पूर्व शिकायत हुई है, जाँच के लिए क्या आपके कंपाउंड में कोई अधिकारी पहुँचे? जी जी, पुलिस विभाग वाले पहुँचे और हमारे शिक्षा विभाग चौकी शिक्षा विभाग यहाँ जब जांच के लिए क्या उनके द्वारा बोला गया? भाई उनके द्वारा बोला गया कि ये तो भाई अच्छा कृत्य नहीं किया गया है, पर अगर नहीं हुआ है तो ऐसा होना भी नहीं चाहिए, और आइंदा ऐसा गलती कभी मत करिए, क्योंकि बच्चे हैं, इनको तो अच्छा भविष्य देना है, इनको सुधार
मतलब कि अच्छा बनाएंगे तभी तो कल के अच्छे नागरिक बनेंगे, तो ऐसा प्रकरण यहाँ पे नहीं चलना चाहिए। और अगर गलती क्या मैडम ये जो बात सामने अभी आ रही है क्या ये झूठा है? जी सर मेरे को तो झूठा ही लगता है। तो ऐसा क्या मामला होगा कि आखिर इस मासूम बच्चे को आखिर झूठ क्यों बोलना पड़ा होगा? अब यही बच्चा बताएगा सर, मैं क्या बता सकती हूँ या इसके माता पिता ही बता सकती हूँ, हम लोग इसके बारे में नहीं बता सकते। हम लोग पढ़ा सकते घटना तो स्कूल परिसर में हुई मैडम, तो स्कूल परिसर की जानकारी आप। एक मिनट सर, मैं ये कहना चाहती हूँ, मान लीजिए हम लोग इस परिसर में वहाँ बैठे हैं, बच्चे आपस में खेल रहे हैं और एकदम सर बच्चे के ऊपर तो नजर नहीं पड़ता है कि मान लीजिए 40 बच्चे हैं, एक एक बच्चे पर तो नहीं। आपके जो स्कूल संस्था के जो स्वीपर हैं उन्हीं के द्वारा ऐसे घटना को अंजाम दिया? जी नहीं सर, ये झूठ बात है सर, वो ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे हरकत नहीं कर सकते। इतने सारे बच्चे हैं, कोई तो बोल देता है कि आज हमको मारेंगे, अगर उनका आदत रहता तो कितने भी बच्चे को मारते, आदत रहता तो मारते ना। आखिर अनलीगल काम तो सभी बच्चे करते हैं भाई, मारपीट लड़ाई झगड़ा तो सब करते हैं। आखिर ये जो आकाश यादव हैं, आखिर इनकी जो अभी चर्चा का विषय लगातार बना हुआ है, तो लगातार क्या आकाश भी झूठ बोल रहे हैं? सर मैं नहीं जानती, इस बच्चे को मैंने उस दिन पूछा था जब मिले, जब मेरे को पता चला, मेरे को उस दिन का पता भी नहीं, जिस दिन दूध ना अभी अभी मैं जैसे ही आपके परिसर में आया हूँ, बच्चे को मैं देखा, इनकी आंखों से ऐसे आंसू टपक रहा था कि इनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार हुआ होगा या फिर किसी प्रकार की, मेरे को देखते मैं जैसे इनसे बात करने के लिए लगातार आंखों से आपको टपक रहा है। मैं क्या बताऊं सर, बेटा इधर देखो, हम लोग से कोई गलती हुआ है क्या? बताओ गलती हुआ है क्या? हम लोग आपको मारे हैं क्या, पीटे हैं क्या? बताओ बताओ सब सच बताओ बेटा, क्या हम लोग सिखाए हैं जो होगा वही बताओ। आप देख सकते हैं जिस तरीके से बच्चे, मासूम बच्चे की आंखों से आंसू टपक रहे हैं, लेकिन ये जो शिक्षक है लगातार आंसू को पोंछने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वही बता नहीं रोते मैडम। अच्छा ही बताइए, क्या इतना मासूम बच्चा हो कि आखिर इस कदर की झूठ से उतारू हो गया होगा? मैं इस बारे में नहीं बता सकती सर, वैसे मैं अब जानूँ इसके मन में क्या चल रहा है, इस बात को तो मैं नहीं जान सकती, लेकिन मैं इतना कहूँगी कि चारों तरफ से जो पूछा ताछी हो रहा है इसके साथ ना, ये कोई अच्छा नहीं हो रहा है सर। इसके मासूम से दिल पे क्या धक्का नहीं लगता होगा क्या? ये कोमल है अभी, इसके मन में इतना सर मतलब जैसे पुलिस विभाग वाले आए, शिक्षा विभाग वाले, मीडिया वाले आए और हम सब मिल के इसको क्या कर रहे हैं, बार बार उसी चीज को क्वेश्चन को पूछ रहे हैं, तो क्या इसके हृदय में कुछ नहीं लगता होगा कि ऐसा मेरे साथ क्यों घटना घटित हो रहा है? इसका प्रभाव इसके ऊपर नहीं पड़ रहा होगा सर? बिल्कुल बिल्कुल, इसके तो क्या दिन बार बार हम नहीं शिक्षा के नहीं, इसके जीवन पे प्रभाव पड़ रहा है। शिक्षा तो है लेकिन सबसे पहले होता है जीवन, और ये कोमल है, नाजुक है, नाजुक कली है, मान लीजिए जिसको कोई पहचान रहे क्या? क्या लगता है मैडम कि मैं तो ये कह रहा हूँ सर, मैं तो एक मिनट सर मैं कहना चाहती हूँ, जितने लोग जितने जन अगर इससे बार बार उसी चीज को पूछ रहे हैं तो क्या अच्छा है क्या, आप बताइए मैडम? नहीं नहीं मैं पूछ रही हूँ आपसे, पूछ रही हूँ क्या अच्छा है? एक मिनट सर, हम बड़े हैं, हम बड़े हैं और हम भी कभी बच्चे थे, आज बड़े हुए हैं और ये अभी बच्चा है, हम चाहते हैं कि अपने घर में भी लड़ाई होता है ना तो बच्चों को किनारे कर देते कि बेटा आप अंदर जाइए, आपको इसमें आने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेन मुद्दा बच्चे को बना के रखे हैं, क्या अच्छी बात है क्या? आप बताइए इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? बार बार रोएगा नहीं तो क्या हंसेगा? बिल्कुल आपका है? कहना बिल्कुल सही है मैडम। मैं मीडिया वालों से प्रार्थना करती हूँ कि प्लीज बच्चे को बचा लीजिए, आप लोग इस तरह से सवाल जवाब का इसको मुद्दा मत लेना, मेरा इतना ही कहना है आप मीडिया वालों से, अब हो गया बस करिए। कहीं ना कहीं आखिर इस सवाल और जवाब आज पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश भर में लगातार हलचल मचा हुआ है, लेकिन वही बता दूं कि जिस तरीके से अभी इस ये जो चाटीजार प्राथमिक शाला के जो टीचर हैं उनकी आप बात सुने होंगे, बच्चे की बात सुने होंगे या फिर यहाँ की प्रधान पाठक की, क्या ऐसे में हलचल जो मचा हुआ है कब घमासान शांत हो पाएगा या फिर ये शिक्षा मंत्री पर सवाल और जवाब लगातार होते रहेगा, एक सवाल या निशान खड़ा कर देता है। लेकिन वही बता दूं कि लगातार अभी चौकी और थाने में भी ये मामला प्रकरण पड़ा हुआ है, लेकिन क्या जांच के बाद इस पे क्या कार्रवाई हो पाती है या फिर लगातार ऐसे ही धराशाही हो पाएगी, या फिर कई ऐसे मुद्दे हैं जो स्कूली शिक्षा विभाग की बात करें लगातार ऐसे आखिर मासूम बच्चे के जीवन के साथ इतनी बलि या खिलवाड़
आखिर क्यों, ये बच्चे की जीवन क्या रह जाएगा? आप देख सकते हैं लगातार इसकी उम्र, मैं बार बार दोहराना चाहूँगा कि लगातार मेरे ख्याल से 10 से 12 वर्ष की उम्र होगा। कहीं ना कहीं मासूम बच्चे के साथ इस तरीके से खिलवाड़ क्यों करते हैं, एक बड़ा सवाल यह निशान खड़ा करता है। लेकिन मेरे साथ यहाँ के कुछ ग्रामीण भी हैं, मैं उनसे भी कुछ बातचीत करने का जरूर प्रयास करूँगा कि आखिर ये हकीकत है या फिर झूठा अफवाह के मामले में लगातार सुर्खियों में बटोर दे रहे हैं। नमस्कार, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। विजय लर्मर काम सूरजपुर 36।